नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसा बोर्ड वायरिंग का तरीका बताने वाले हैं जिसको आप अप्लाई करके आप अपने एलईडी बल्ब को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जब प्रोटेक्ट करने के बाद चाहे आपके घर की सप्लाई 300 वोल्ट हो जाए चाहे 350 वोल्ट हो जाए लेकिन आपका एलईडी बल्ब बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कमाल का ट्रिक है। तो आइए यहाँ पे जैसे कि मेरे पास इस तरह का बोर्ड है, आपके पास किसी भी तरह का बोर्ड हो सकता है जिसमें आप स्विच वगैरह लगाए होंगे, जो अपने एलईडी बल्ब को जलाने के लिए बोर्ड में भी आपका एक होल्डर होगा तो जो बल्ब जलाने के लिए। तो यहाँ मैं देखिए लगा तो है 3 स्विच और ये 2 सॉकेट के लिए, ठीक। तो सभी कनेक्शन यहाँ लगभग हो चुके हैं, इसमें कनेक्शन कुछ कमी नहीं है, सारा कनेक्शन देख सकते हैं। यहाँ हमारा सॉकेट का भी कनेक्शन हो गया है स्विच और यहाँ अपने होल्डर का भी कनेक्शन हमने कर दिया है। अब यहाँ पे करना कैसे हमको वो आपको हम बताना है, इसमें क्या आपको ट्रिक लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो भी आपका मेन सप्लाई आया होगा इस तरह से, ठीक। तो मेरे पास थोड़ा बहुत बड़ा वायर है, यहाँ इसका मेन सप्लाई का एक हमारा न्यूट्रल हो गया और एक हमारा ये फेज हो गया, ठीक। तो यहाँ हमको क्या करना है, देखिए न्यूट्रल वाला वायर हमारा एक जगह है आपका डायरेक्ट लगा होगा, यानी कि आपका जो भी बोर्ड होगा उसमें जहाँ यन लिखा होगा, देखिए यहाँ पे यहाँ यन लिखा है, ठीक, यहाँ यन लिखा है। तो इस तरह से यहाँ यन यन देखिए यहाँ से यहाँ हमारा सटा हुआ, फिर हमारा ये होल्डर पे चलाया तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो आपको एक वायर इसका जो न्यूट्रल वाला है इस अपने न्यूट्रल पॉइंट पर जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से इसको हम खोल लेते हैं और खोल के फिर इसमें इस वायर को हम यहाँ लपेट के और अपने न्यूट्रल वाले में लगा के इसको टाइट कर देंगे। तो ये तो लगभग सभी बोर्ड में होता है, जो भी आपका मेन सप्लाई होगा इस तरह से उसमें लगा होगा। तो यहाँ हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया, ठीक। न्यूट्रल को कनेक्ट कर देने के बाद अब जो फेज हमारा है यहाँ पे, फेज के साथ हमको यहाँ कुछ मतलब जो ट्रिक है वो लगाना है। अब इस ट्रिक में क्या है, आपको ले लेना है एक कैपेसिटर। यहाँ हमारे पास जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का नंबर है 2.5 UF और 400 यहाँ पे इसका जो बोल्ट होगा, बोल्ट इस पर नहीं लिखा है लेकिन ये आपका 400 वोल्ट से प्लस होता है, 440 वोल्ट AC, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 440 वोल्ट AC। तो ये आपको कैपेसिटर लेना, इस कैपेसिटर में कोई भी प्लस या माइनस नहीं होता है, किसी भी तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस कैपेसिटर का एक वायर हमको कहाँ लगा देना है, देखिए यहाँ पे जो हमारा स्विच लगा हुआ है ये सभी पिने जो हमारी 1, 2, 3 यहाँ एक वायर की मदद से सबको जोड़ दिया गया, यानी ये हमारा कॉमन पिन हो गया। तो इनमें किसी भी एक पॉइंट पे कैपेसिटर का एक वायर हम इस तरह से यहाँ पे जोड़ देंगे। अब एक वायर यहाँ हमने जोड़ दिया। अब दोस्तों चूंकि यहाँ मैं केवल आपको बल्ब जलाना बता रहा हूँ, जो अगर आपको सॉकेट से और ज़रूरत हो तो उसको डायरेक्ट करना है, लेकिन जहाँ आपको बल्ब जलाना है उस पॉइंट को आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे यहाँ ये मेन सप्लाई वाला वायर इस तरह से जोड़ देना है अपने कैपेसिटर के एक वायर पे। एक वायर हमने यहाँ लगा दिया स्विच पे और एक वायर यहाँ हम कैपेसिटर पे मेन सप्लाई वाला लगा देंगे। अब इसको हम टेप से कवर कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमने टेप से इसको कवर कर दिया। अब इस कैपेसिटर को हम यहाँ कहीं भी इसको बड़े आराम से रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग क्या किया, हमने पहले अब जान लीजिए न्यूट्रल को हमने कोई टच नहीं किया, न्यूट्रल हमारा जैसे का तैसे है वैसे ही दम, बस फेज में हमारे यहाँ जो मेन सप्लाई आ रही हमने इस कैपेसिटर पे दे दिया और इस कैपेसिटर का दूसरा वायर अपने स्विच वाले पॉइंट पे यहाँ पे जोड़ दिया। बाकी इस बोर्ड में हमने कोई भी और तब्दीली नहीं किया है। तो यहाँ मैं कैपेसिटर को इस तरह से रख देता हूँ और इसका बॉक्स आप पीछे से यहाँ बड़े आराम से, इतना जगह होता है कि आप इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। अभी दोस्तों हमारा टोटल वायरिंग यहाँ हो चुका है, देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा होल्डर और दोनों सॉकेट हमारे कैपेसिटर के प्रोटेक्शन में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक LED बल्ब यहाँ पर लगा देते हैं, इसको हम ऑन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा LED बल्ब जैसे डायरेक्ट जलता है ठीक उसी तरह से हमारा LED बल्ब उतनी रोशनी के साथ ये जल रहा है। अब दूसरे LED बल्ब को कनेक्ट करने के लिए हमें एक दूसरा होल्डर ले लेना है, ठीक। या मैं यहाँ रख देता हूँ और इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे।
और इसको भी हम जलाएंगे तो हमारा फुल ब्राइटनेस के साथ ये भी एलईडी हमारा जलेगा। अब इसके साथ एक और हम देखिए यहाँ पे एक हमने ये लगाया, एक एलईडी लगाया, दोनों एलईडी हमारा फुल ब्राइटनेस के साथ जल रहा है। अब इसके साथ हम एक एलईडी बल्ब और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए एक एलईडी बल्ब और हमने लिया और यहाँ रख देते हैं, ठीक, और इसको हम इस सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे तीनों एलईडी बल्ब हैं बिल्कुल फुल ब्राइटनेस के साथ यहाँ पे जल रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे कैसे हमारा ये एलईडी बल्ब प्रोटेक्ट होगा। तो मतलब ये हुआ जो हमने यहाँ कैपेसिटर को सीरीज में लगाया, अगर मान लीजिए वोल्टेज आपके यहाँ बढ़ के आता है तो एक झटके से हमारे एलईडी बल्ब पे वोल्टेज नहीं जाएगा, वो कैपेसिटर हमारा वोल्टेज को रेगुलेट करके और जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही यहाँ पे भेजेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हम एलईडी बल्ब के लिए ड्राइवर सर्किट बनाते हैं उसमें भी इस कैपेसिटर का अगर यूज करते हैं तो जितना ज़रूरत होता है उतना ही कैपेसिटर हमारा पास करता है। तो इस तरह से आप अपने ये बोर्ड में ये कैपेसिटर लगा के और एलईडी बल्ब को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सालों साल अपने एलईडी बल्ब को चला सकते हैं, वो आपका ख़राब होने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।